हाय गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में settings.py का कोड देखा कि कौन सा कोड किस लिए है, क्या यूज़ होता है, हमने इसकी जानकारी ली। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो बाकी का बचा हुआ फाइल है urls.py, ये वाला फाइल, इस फाइल में हमें क्या जानकारी मिलती है। वैसे तो अभी यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट बहुत कम कोड लिखा हुआ है जिसमें हमें कुछ भी जानकारी ज़्यादा कुछ मिलती नहीं है। एक इम्पोर्ट किया गया है ये वाला django.contrib से, ये एडमिन एक एप्लीकेशन है, हमें जो मिलता है वह इंपोर्ट किया गया है। एक पाथ फंक्शन है जिसको इंपोर्ट किया गया, देन यूआरएल पैटर्न जो कि एक लिस्ट ले रहा है, और फंक्शन पाथ को यहाँ कॉल किया जा रहा है जिसमें कुछ हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, पैरामीटर्स दिखाई देते हैं, बस इतना ही है इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये हम लोग फिर से देखेंगे यूआरएल वाला, क्योंकि यूआरएल पैटर्न जब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला पैटर्न तो हमें उसमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वीडियो को अगर आप स्किप भी कर देते हैं, नहीं भी देखते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए आपको नहीं है, बट टॉपिक वाइज मैं ये बना रहा हूँ। फिर हमारा एक दूसरा फाइल है जो कि manage.py, इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हमारा कमांड लाइन यूटिलिटी है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जैसे कि सर्वर को रन करना हो तो उन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर क्या किया गया है, वॉइस मॉडल को इम्पोर्ट किया गया है, SYS मॉडल को इम्पोर्ट किया गया है, एक मेन फंक्शन लिखा गया है जिसमें एक ये हमारा मैपिंग ऑब्जेक्ट है, सेट डिफ़ॉल्ट हमारा एक फंक्शन है, और ये हमारा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। देन एक एक्सेप्शन हैंडल किया गया है यहाँ पर, ट्राई के अंदर लिखा गया है, इसको इम्पोर्ट किया गया है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो रेज होगा और ये आपको दिखाई देगा, अदरवाइज ये रन करेगा। मेन को कॉल करने से पहले एक इफ़ लगाया गया है यहाँ पर कि नेम इक्वल मेन, ये होना चाहिए तभी हमारा मेन ये वाला कॉल होगा। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही समझने की आवश्यकता, जितना समझना था उतना हमने समझ लिया है पहले ही, जैसे कि ये लाइन था तो ये हमने पहले ही समझ लिया है, और ये सारी चीज़ें हमें आती हैं, और हमने ट्राई कैच भी एडवांस पाइथन में देखा हुआ, तो ये सारे कोड हमारे फैमिलियर हैं, तो यहाँ कुछ भी समझने के लिए नहीं है जी। तो URL.py और manage.py ये दोनों भी हमने यहाँ पर देख लिया, कुछ सीखने को नहीं मिला आई बिलीव, बट फिर भी हमने देख लिया। इसके अलावा जब आप सर्वर रन करते हैं तो आपके db sqlite3 यहाँ एक फाइल मिलता है जो कि खाली है, इसमें भी कुछ अभी देखने के लिए नहीं। तो जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमें मिल रही थी Django से, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, समझ ली हैं। दोबारा से हमें समझने का मौका मिलेगा जब हम टॉपिक वाइज एक एक करके देखेंगे तब, लेकिन तब की बात तब करेंगे, अभी के लिए हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।